जो लेकर भाग गया है। लोग थिएटर को आग लगा देंगे और अपनी पिटाई अलग हो जाएगी। और वो पापा जी जिन्होंने 5,000 रुपया चंदे के लिए दिया था, उनको क्या शक्ल दिखाएंगे? फिक्र की कोई बात नहीं, खेल हम करेंगे। लेकिन खेल आप कैसे करेंगे? क्यों नहीं, मुझ में वो ताकत है कि पापा जी इधर आपका जादू दिखाने का क्या फायदा, मेरा सिक्का जमाओ ना। ठीक है ठीक है। मिस नलिनी देवी जी, अपने राजेश बाबू को। मिस मरेजम। हाँ, मिस मरेजम आता है। वो लोगों पर ऐसा जादू करेंगे कि कुछ खेल के ना होते हुए भी लोगों को खेल दिखाई देगा। ऐसा कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आपको याद नहीं, आप हमारे घर आई थी तो मैंने ऊपर का कमरा नीचे पहुंचा दिया था। आप सच में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, मगर एक छोटी सी शर्त है, आपको अपना हाथ मेरे हाथ में देना होगा। क्यों? बात यह कि जिसका काम करता हूँ उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, गुरु महाराज जी का संदेश है। लाइए हाथ, लाइए ना, फिर देखिए चमत्कार। देवी जी। पापा जी। जी काका जी। ओह, कमाल है, है ना? लेकिन डांस का क्या होगा, वो तो मैंने करना था और मेरे पास कपड़े भी नहीं है। हाँ जी, कपड़ों की क्या बात है? पापा जी, मेस्मरिज्म मेरे को आता है, आपको नहीं। देखिए, आप मेरे पास खड़ी रहिए और मेरे चमत्कार से आप अपने आप को वहाँ डांस करता हुआ देखेंगी और साथ मुझे भी। बस अपना हाथ मेरे हाथ में रखिए जरा प्यार से। पापा जी। जी काका जी। फिर भी न निकलने पाए, जो हुस्न रहे ख्वाबों में वो हुस्न नजर आ जाए, और इश्क की कोई हसरत फिर भी न निकलने पाए, तो इश्क बताओ क्या करे वो इश्क, तो इश्क बताओ क्या करे वो इश्क।
माँ की लौथर राके आवाज दे परवाने को एक दिल की लगी का मारा क्यों आए न जल जाने को जब शम्मा की लौथर राके आवाज दे परवाने को एक दिल की लगी का मारा क्यों आए न जल जाने को परवाना बताओ क्या करे परवाना परवाना बताओ क्या करे परवाना। आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा है तो इतना कमाल हो गया। अगर सारी उम्र आपका हाथ मेरे हाथ में रहे तो फिर देखिए कितना कमाल होता। अभी हाथ में कभी नहीं छोड़ूंगी। हाय हाय स्मिता मेरी शरबते आलू बालू मेरे गुलकंद तेरे लिए लाऊंगा समरकंद से कलाकंद क्यों अपने मन को व्याकुल कर रहे हो। क्या थिएटर के डायलॉग बके जा रहे हो मुझे देर हो रही है नन्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। नन्नी तो नल बाजार में टमाटर बेच रही होगी। क्या बकते हो। मैं बकता नहीं हूँ सत्य कह रहा हूँ पब्लिक ने मार मार के टमाटर से स्टेज भर दिया होगा। ये सुनकर तो मेरा दिल भराया। हाय हाय और तुम्हें देखकर मेरा मन भराया। ये तो शुक्र करो उस मैनेजर का जो सब सामान लेके भाग गया और हमें एकांत में बैठने का मौका दिया। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारे साथ ये तस्वीर में कौन है। राजेश है डैडी। राजेश कौन। राजेश वही राजेश जो उस दिन कार समेत आपके ड्राइंग रूम में घुस गया था। हाँ डैडी वही राजेश। अगर ये कल हमारे शो पे ना होते तो हमारा शो बिल्कुल भी ना होता। और शो के बाद तुमने अपना हाथ इस बदमाश के हाथ में दे दिया। डैडी मैं राजेश के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती और मिस्टर गोपाल डैडी को भड़काने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। नलिनी। डॉक्टर सेठ मेरा ख्याल है कि नलिनी का राजेश से मिलना जुलना ठीक नहीं। हो सकता है कि राजेश कोई जासूस और नलिनी को फुसला कर एक दिन आपका फॉर्मूला ले उड़े। गोपाल मैं जासूस को एक नजर में भांप लेता हूँ आखिर साइंटिस्ट हूँ साइंटिस्ट। हेलो हेलो ये क्या आज बिटल बन के आ गए हो। बात ये है आज मैं अपनी महबूबा से मिलने आया हूँ उसे ये फैशन बहुत पसंद है। See you. Hi. Hello, Smita. Hello, Gullu. Thank you. Meet my daddy. Oh, good morning, daddy. Good morning. तुम इससे शादी करना चाहती हो? ये तो लड़की है। लड़की? नहीं, daddy. ये तो आजकल का बिटल फैशन है. मुझे बहुत पसंद है. ऐसी फैशन को डालो चूल्हे में. लोग कहेंगे कि प्रोफेसर पागल हो गया है. लड़की की शादी लड़की से करनी. जाओ, जाओ. जाओ मैम साहब चली जाओ जाओ। डैडी मेरी बात तो सुनिए। ओ चुप रहो डैडी की बच्ची। आई से ओल्ड मैन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। मेरा बिल लो। गुल्लू अरे तुम हमको गेल लेडी होटल में बुलाकर खुद बाहर जा रहे हो। आई एम फिनिश्ड। आई एम टोटली फिनिश्ड। आका इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। लड़की नहीं पापा जी ये तो अपना दोस्त है गुल्लू बीटल के ड्रेस में। हाँ, बड़ा अच्छा ड्रेस है। अगर लड़की ना मिली तो दोस्त को ही लड़की बना लिया। गुल्लू अच्छा इधर आओ तुम सविता के डैडी से मिलने आए थे ना तो बैठ के बताओ क्या हुआ। अरे रोते क्यों हो। बात यह राजेश सविता के डैडी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। क्यों। कहता है कि मैं पूरा लड़की लगता हूँ। बोले पापा जी हाँ बोलो आप ही कुछ करिए ना कुछ चमत्कार दिखाइए ना। ये बात है मैंने तुम्हारे कपड़े उतारे थे ना उसके भी कपड़े उतार दे। अरे पापा जी ऐसा नहीं करना अगर मेरा ससुरा पब्लिक में नंगा हो गया तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। कुछ और सोचिए समथिंग एल्स। उसने तुम्हें लड़की कहा है। हाँ तो मैं उसे भी लड़की बना देता हूँ। ऐसा नहीं किया। पापा जी आप सब लड़कों को लड़की बना सकती हैं। बिल्कुल क्यों नहीं। कमाल है गुल्लू। हाँ। अगर दुनिया के सब लड़के लड़कियां बन जाएं तो मजा आ जाए। पर मजा आ जाएगा दस लड़कियों के लिए एक लड़का एक फॉर वन। स्मिता ओनली स्मिता। आप तो लो मैं सब लड़कों को लड़की बना देता हूँ।